हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई नॉलेज अब में। दोस्तों आज है 17 जनवरी। आज की इस वीडियो में हम 17 जनवरी के सारे करंट अफेयर को देखेंगे। आते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन की योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है सी इसरो। इसरो ने गगनयान रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। इसके तहत मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। IPRC महेंद्र गिरी तमिलनाडु में 720 सेकंड की अवधि के लिए गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन की योग्यता परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। यहाँ पे इसरो आया, तो हम इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बंगलुरु में है और इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार SBP 2021-22 का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी सुभाष सरकार, ऑप्शन सी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन डी नितिन गडकरी। इसका सही ऑप्शन है बी सुभाष सरकार। राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने पानी स्वच्छता और स्वच्छता के महत्व को रेखांकित करते हुए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार SBP 2021-22 का शुभारंभ किया। नेक्स्ट, हाल ही में सेना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 15 दिसंबर, ऑप्शन बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 16 जनवरी, ऑप्शन डी 15 अक्टूबर। इसका सही ऑप्शन है बी 15 जनवरी। भारतीय सेना दिवस फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में यह मनाया जाता है, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को यह आज़ाद भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख थे। इस बार भारत का 74वां सेना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में कचाई लेमन त्यौहार शुरू हुआ है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही ऑप्शन है सी मणिपुर। यह त्यौहार मणिपुर में उखरुल जिले के कचाई गांव में शुरू हुआ है। यह 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण आयोजित किया गया है। इस वर्ष फेस्टिवल का आयोजन सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कचाई नींबू विषय के तहत किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में उज्जीवन स्मॉल बैंक के MD और CEO कौन नियुक्त हुए? ऑप्शन ए विनय कुमार, ऑप्शन बी डेविन, ऑप्शन सी अभिमन्यु राव, ऑप्शन डी इतिरा डेविस। इसका सही ऑप्शन है डी इतिरा डेविस। इतिरा डेविस नितिन चुक के स्थान पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO बने हैं। इसके पहले यह डेविस यूरोप अरब बैंक लंदन में प्रबंध निदेशक और अरब बैंक PLC बहरीन और सिटी बैंक भारत के साथ भी काम किया है। यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में हम जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है वो 2017 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में और इसके अध्यक्ष सुमित घोष हैं। हाल ही में पिग हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन ए डेविड बेनेट, ऑप्शन बी पीटरसन, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए डेविड बेनेट। डेविड बेनेट पिग हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। इंसानों में जानवरों के अंगों को लगाना जेनोट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। नेक्स्ट, हाल ही में ICHR का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए सतीश अडिगा, ऑप्शन बी रघुवेंद्र तंवर, ऑप्शन सी विजयपाल, ऑप्शन डी रघुवेंद्र सिंह। इसका सही ऑप्शन है बी रघुवेंद्र तंवर। प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। ICHR की स्थापना जो है वो 1972 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र को 60 से 62 किया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज जो है वो 60 से 62 वर्ष कर दी है और कर्मचारियों की सैलरी में 23.29% की बढ़ोतरी भी की है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश को विदेशी मुद्रा संकट से उबरने के लिए ऋण दिया है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी भूटान। इसका सही ऑप्शन है सी श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका को विदेशी मुद्रा संकट से उभरने के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय ऋण की सहायता दी है। हाल ही में श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में गोपाल बागले का
चयन हुआ। यहाँ के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। यहाँ की राजधानी जो वो श्री जयवर्धिनीपुरा कोटी और यहाँ की मुद्रा का नाम श्रीलंकाई रुपया है और यहाँ की संसद का नाम पार्लियामेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह कब से शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 22 जनवरी, ऑप्शन बी 23 जनवरी, ऑप्शन सी 24 जनवरी, ऑप्शन डी 25 जनवरी। इसका सही ऑप्शन है बी 23 जनवरी। केंद्र ने घोषणा की है कि अब से गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी की जगह 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाएगा। इनकी जयंती पर पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था।